तो अलग अलग जगह से तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अगर बात की जाए बहराइच की तो यहाँ से मेरे सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं, वहीं अमेठी से विक्रम भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से शुभम, सुल्तानपुर से फहीद अहमद मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अमेठी का मैं रुख करूंगी। विक्रम, अमेठी की जगदीशपुर सीट जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी का विरोध हुआ है, क्या है पूरा मामला, जरा समझाइए और ये बताइए कि क्या अब मामला पूरी तरह से शांत हो गया है? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है पांचवें चरण में 12 जिले हैं यूपी में, उसके जो है 61 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। कहा जा सकता है सुबह 7 बजे से लेकर के मतदान शुरू हो गया था, कुछ जगहों पर ऐसी खामियां जरूर मिली थी कि में दिक्कत आई थी, लेकिन वोट मशीनरी सिस्टम है और थोड़ा बहुत होता है जिसकी वजह कुछ लेट जरूर हुआ, लेकिन जो मतदान है सुचारू हो गया है। अब लगातार मतदान है वो हो रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 7.1 जो मतदान है वो हो चुका है लगातार। कहा जा सकता है अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो वहां से सितार सिंह सिद्धनाथ सिंह जो है वो वहां पर पहुंचे और मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना के साथ कहा जा सकता है अब वो फिर उन्होंने मतदान किया। चाप आ सकता है कि जब बड़े बड़े दिक्कत जो है आज जो यूपी के दिग्गज है उनकी आज साथ दाव पर लग गई है, ताहिर सी बात है, चाहे वो कुंडला के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हों या फिर आप कह सकते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह हों या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, या फिर कहा जा सकता है कि पांचवें चरण में अधिकतर जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी है। अब देखना यह होगा कि ईवीएम में जो हो रहा है जो मतदाता है परिणाम दे रहे हैं, अब आखिरकार जो जनता है आखिरकार कौन सा दिग्गज जो है जो लखनऊ विधानसभा में बैठ और लखनऊ विधानसभा का हल कर पाएगा 5 सालों तक। बिल्कुल शुभम, अमेठी से खबर सामने आई थी जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो विजय पासी है उनका विरोध हुआ है, पहले इस पूरे मामले को समझाइए और बताइए कि क्या मामला शांत हुआ है, क्या वजह थी, क्यों सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कहा गया था कि जो तरीके से जो मतदान है कहीं ना कहीं वोट बैंक को सींचने की कोशिश की गई है, जो वोट बैंक है ब्राह्मण और श्रवण के बीच जो ब्राह्मण है जो दलित हैं उनको एक तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई थी, पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज उतारा है और जिससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों में आक्रोश जरूर था जिसकी वजह से कुछ हाथापाई भी हुआ, गाली गलौज भी हुआ, उसके बाद प्रशासनिक हमले ने उसको जो है शांतिपूर्वक सुलझा लिया है और साफ पाया जा सकता है सुचारू रूप से मतदान भी चल रहा है और जो स्थिति है वो भी अब साफ जो है देखा जा सकता है कि नॉर्मल स्थिति में आ चुका है।